हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। एंड आज हम लोग बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एएनएम जीएनएम के एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का, ठीक है। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स, सभी के लिए। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी को पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कर देना। एंड ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है, एंड ये 2022 में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, एंड जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं हेल्प मिलने वाला है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम देने वाले हो 2022 में, या फिर एएनएम या जीएनएम का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना। वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अभी तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा जो बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होने वाला था उसमें ओनली 50 सीट्स थे, ठीक है, ओनली 50 सीट्स थे। बट अभी यहाँ पर जो अपडेट आया कल के दिन में, वो सुनकर आप शॉक रह जाओगे एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा आप लोग के लिए। तो ठीक है, ये न्यूज़ आपको दिख रहा है। आपको देखो, रिजल्ट जारी होने के 3 महीने के बाद अंदर पूरी करनी होगी दाखिल प्रक्रिया। ये तो हो गया दाखिल प्रक्रिया का। फिर यहाँ देख लो, नर्सिंग कॉलेज में नामांकन व फीस की बनी नियमावली, ठीक है। अभी आपको क्या होता था, झारखंड में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस थे वो अपने मनमानी फीस लेते थे, मतलब कि 4 लाख या 5 लाख लेते थे फोर ईयर कोर्स बेसिक के लिए। अभी सबका हो चुका है, मतलब ख़त्म कहानी, ठीक है। अभी जेसीईसी ने अपना कुछ नया रूल लगा दिया है, एंड ये रूल आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड वो बच्चे जो बीएससी नर्सिंग नहीं कर पाते थे ड्यू टू फीस इशू, ठीक है, प्राइवेट वाले इतने ज़्यादा फीस लगा के रखे थे कि वो नहीं ले पाते थे। तो अभी आगे न्यूज़ भी पढ़ेंगे हम लोग, बस उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। पूरा न्यूज़ देखो यहाँ पर इस तरीके से है यहाँ पर, बट मैं आपको यहाँ पर पूरा समझाऊंगा, ठीक है, देखिए क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हम लोग करते हैं, ठीक है। खबर देखो, यहाँ आप चाहो तो ये न्यूज़ पढ़ भी सकते हो और मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, ये जो है कट ऑफ यहाँ पर इन लोगों ने बताया है, ठीक है। दाखिले के लिए न्यूनतम अहर्तांक, ठीक है, अगर आप सामान्य वर्ग में 40% कट ऑफ, यह 40% मतलब रिजल्ट अगर आपका जेसीसी का एग्ज़ाम जो अगर आप दीजिएगा बीएससी नर्सिंग का या फिर एएनएम जीएनएम का, तो आपका रिजल्ट अगर 40% है देन आपका एडमिशन हो जाएगा या तो फिर प्राइवेट या तो फिर गवर्नमेंट, ठीक है। पिछड़ा वर्ग कुत्ता 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34%, एंड अजा या महिला, ये क्या होता है जो डिजेबल्ड होता है वो, ठीक है, फीमेल के लिए 32, आदिम जनजाति मतलब ये 30%, एंड आर्थिक रूप से कमज़ोर ये 40%, ठीक है। ये रिजल्ट है, ये कट ऑफ है, ठीक है। एक तरीके से मान लो अगर आपका बाई द चांस अगर गवर्नमेंट में नहीं मिल पा रहा है एडमिशन, गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग में नहीं मिल पा रहा है, देन ये वाला कट ऑफ जो दिख रहा है आपको ये होगा प्राइवेट का, ठीक है, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं। फिर यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर नज़र फेरेंगे तो यहाँ पर एक रैंक स्कोर दिख रहा है जो कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, देखिए जीएनएम, फिर यहाँ सॉरी एएनएम, यहाँ पर दिख रहा है जीएनएम, ठीक है। फिर एक सेकेंड में इसको साइड करता हूँ, हाँ, फिर यहाँ देखो बीएससी, ये बीएससी नर्सिंग है, ठीक है, ये पोस्ट बेसिक है, एंड ये एमएससी नर्सिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने कोर्स दिख रहे हैं, एएनएम जीएनएम बीएससी पोस्ट बेसिक एमएससी, तो ये जो इतने आपको दिख रहे हैं स्कोर कार्ड, ये 104 कॉलेजेस है, ठीक है, एएनएम के कंप्लीट 104 कॉलेजेस हैं। फिर जीएनएम के 75 कॉलेजेस है इंक्लूडेड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। फिर यहाँ पर बीएससी के 42 कॉलेजेस है, ठीक है, और बीएससी मतलब बीएससी नर्सिंग का। फिर पोस्ट बेसिक का ओनली 6 कॉलेजेस हैं, ठीक है। गवर्नमेंट में यहाँ पर आपको दिख रहा है एक कॉलेज, पोस्ट बेसिक का भी गवर्नमेंट में एक कॉलेज, जीएनएम का गवर्नमेंट में 3 कॉलेज, एंड एएनएम का गवर्नमेंट में 10 कॉलेज, एंड यहाँ पर एमएससी का प्राइवेट कॉलेजेस 5 है। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉलेजेस के लिस्ट बताएं, ठीक है। देखो यहाँ सरकारी संस्थान है एंड यहाँ पर गैर सरकारी, ठीक है, सरकारी। तो यहाँ पर देख लो 10 कॉलेजेस मैं दिखा रहा हूँ एक बार फिर से, यहाँ पर आपको कॉलेजेस दिख रहे हैं, ये गवर्नमेंट है, 10 कॉलेज है एएनएम के, 3 कॉलेज है जीएनएम के, 1 कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के, 1 कॉलेज है पोस्ट बीएससी नर्सिंग के, दोनों रिम्स है, ये दोनों रिम्स है, ठीक है, और ये एमएससी का प्राइवेट कॉलेज है एमएससी नर्सिंग का, ठीक है। तो ये सब कॉलेजेस हैं एंड यहाँ पर सीट्स कितने, टोटल 14,820 सीट है, ठीक है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मिला के। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड हाँ, अब बात रही बॉयज़ फिल कर सकते हैं कि नहीं फॉर्म, ठीक है, तो बॉयज़ भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये काफ़ी बढ़िया बात है। अगर आपका एडमिशन बाय द चांस गवर्नमेंट में नहीं हो रहा है तो आप प्राइवेट में करवा सकते हो विद लिमिटेड फ़ीस, ठीक है। फ़ीस के बारे में भी यहाँ पर इस न्यूज़ पेपर अगर आप पढ़िएगा पूरा तो फ़ीस भी बता देगा कि कितना फ़ीस होगा, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग टोटल डिटेल में पहले एक्सप्लेन करूँगा तो उसके बाद, ठीक है। यहाँ पर देख लो राज्य में नर्सिंग विभिन्न पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए कुल 247 संस्थान है, जिसमें 232 निजी
और महज 15 सरकारी संस्थान हैं। इन संस्थानों में हर साल लगभग 14,820 छात्रों का दाखिला लिया जाता है, जिसमें 13,920 सीटें निजी संस्थानों की होती है। ठीक है, देख लो कितना, 13,920 आई मीन 14,000 सीट्स तो प्राइवेट वाले का होता है एंड जितने बचे हुए वो गवर्नमेंट का। फिर यहाँ नियमावली के लागू होने के बाद सरकारी संस्थानों की 900 सीटों के साथ ही निजी संस्थानों को 6,960 सीटों पर भी शुल्क का निर्धारण सरकारी प्रावधानों के रूप में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से टोटल सीट्स यहाँ पर दिख रहा है आपको 14,800 सीट हो, 820 सीट हो गया। बट आप लोगों को चाहिए गवर्नमेंट, तो GNM वालों के लिए जो ANM का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका कट ऑफ ज़्यादा रहता है तो आप ले सकते हैं एंड अगर आपका बाय द चांस कट ऑफ डिक्रीज़ हो गया तो आप प्राइवेट में ले सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट में आपको लिमिटेड फीस आई मीन जितना भी फीस JCET काउंसिल बोर्ड करेगा उतना आपको पे करना पड़ेगा। फिर GNM का तीन गवर्नमेंट कॉलेज है, इनमें से आपको फाइट लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पर अगर बाय द चांस अगर गवर्नमेंट में आपका नहीं हुआ, कट ऑफ कम रह गया, तो आप प्राइवेट में ले सकते हो जो कि 75 कॉलेजेस है, तो आपका होना फिक्स है। फिर BSc नर्सिंग का एक कॉलेज है जो कि रिम्स है, अगर आपका इसमें नहीं हुआ तो प्राइवेट कॉलेजेस में ले सकते हो विथ लिमिटेड फीस, मतलब कि जितना फिक्स फीस होगा JCET के थ्रू। फिर यहाँ पर पोस्ट बेसिक में अगर आप लेना चाहते हो गवर्नमेंट रिम्स में ही, तो यहाँ पर आपको एक कॉलेज है एंड बाय द चांस अगर आपको यहाँ नहीं हुआ तो फिर आप 6 कॉलेजेस जो प्राइवेट है उनमें ले सकते हैं, वो भी JCET के काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है, तो अभी सारा चीज़ होगा जो JCET के थ्रू होगा। अगर आप प्राइवेट में भी लेने वाले थे, मतलब आपने सोचा होगा कि अगर मैं प्राइवेट में ले लेता हूँ, तो प्राइवेट में नहीं होगा जब तक आप ये एग्ज़ाम नहीं देंगे। JCET का एग्ज़ाम आपको देना कंपलसरी है। अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया JCET का एंड अगर आपका 40% से प्लस आ गया तो आपका एडमिशन तो ये श्योर है, बट अगर आपका कट ऑफ क्रॉस हो जाता है देन आपका एडमिशन गवर्नमेंट में हो जाएगा। ठीक है, तो 40% मार्क्स याद रखिएगा, 40% मार्क्स में आपका प्राइवेट में होगा एडमिशन विथ बेटर फीस, मतलब फीस का भी यहाँ पर बात की गया है, देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बट वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इमेज का लिंक दिया हुआ है ये वाला न्यूज़ का। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने स्टेटस में, ताकि जो भी BSc नर्सिंग या फिर इसका एग्ज़ाम देने वाले थे तो वो लोग दे पाए। ठीक है, और हाँ, लास्ट 2 दिन बचा हुआ है, ओनली 2 दिन, तो 2 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करने का। आज है 12 तारीख, कल और परसों लास्ट 2 दिन बचे हुए हैं, तो अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो एक बारी व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।